आने वाले तूफान को लेकर पीएम मोदी ने पूरे देश को किया अलर्ट। 24 घंटे सारे कंट्रोल रूम पर रहेगी विशेष तैनाती। 14 जून तक सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा बिपल जॉय तूफान। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेगी तेज हवाएं। बिपल जॉय तूफान की वजह से समुद्र की ऊंची लहरों में समा गए 5 लोग। कच्छ में विशेष खतरे को देखते हुए अलर्ट। बिपल जॉय आने के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और पाकिस्तान शहरों में होगी तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। कच्छ के हजारों लोगों को अपना घर खाली कर भेजा गया सुरक्षित स्थान। सीएम युवती ने हिंदू युवक से शादी कर सनातन धर्म को अपनाया, कहा पुलिस टॉर्चर कर रही है। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर से मदद की अपील। मुस्लिम युवती ने लगाया जय श्री राम के नारे, कहा हमने एक दूसरे की मर्जी से शादी की है, मैं हिंदू भी बन गई हूं और मैंने सनातन धर्म को भी कबूल किया है। उत्तरकाशी में बदमाशों ने लगाए जय श्री राम के नारे, मुस्लिम व्यापारी की दुकान तोड़ दी। अब तक 12 मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके। उत्तरकाशी में लव जिहाद पलायन और अपुरोला में महापंचायत का ऐलान, ओवैसी बोले तुरंत रोक लगाई जाए। वगैरह स्टोरी देखने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री लिखने जा रहे हैं किताब, बताएंगे क्या है सनातन धर्म। तेजी से बढ़ रहा है साइक्लोन बिपल जॉय, पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। कच्छ के सभी स्कूलों में 15 जून तक रहेगी छुट्टी। क्या सबूत है, ये औरंगजेब की फोटो है। अमेरिका में ओवैसी का फिर मुस्लिम राग। इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है सरकार, पीएम मोदी पर ओवैसी का वार, कहा आज हमें औरंगजेब की औलाद कहा जा रहा है। दिल्ली में नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मुजफ्फरपुर में बुर्का पहन बियर खरीद रही थी मुस्लिम महिलाएं, शख्स ने दी सर कलम करने की धमकी, कहा दोनों की गर्दन उतार लूंगा चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए, मेरे ऊपर 5 से 6 केस पहले से हैं। मध्य प्रदेश में बुलडोजर बाबा बने शिवराज सिंह चौहान, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने वाले स्कूल पर होगी कार्रवाई। फिर अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे किसान, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे किया जाम, एमएसपी की मांगों को लेकर प्रदर्शन। विराट कोहली विवाद पर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का पहला विस्फोटक इंटरव्यू, कहा अच्छे कप्तान थे विराट कोहली लेकिन खुद छोड़ी थी कप्तानी। प्रियंका गांधी की जबलपुर रैली के स्वागत में लगे तिरंगे, जमीन पर पड़े रहने पर बवाल, बीजेपी ने बताया इसे अपमान। मुंबई के जुहू बीच पर 6 लोग डूबे, 2 लोगों को बचाएगा 4 लापता, सर्च अभियान जारी, जुहू चौपाटी लोगों के लिए हुआ बंद। टीम इंडिया को हार के बाद करारा झटका, आईसीसी ने लगाया मैच फीस का जुर्माना। इम्तियाज मामले में बद्दो की गिरफ्तारी के बाद अब उठेगा पर्दा, वर्चुअल धर्मांतरण में पूरे नेटवर्क को तोड़ेगी पुलिस। दिल्ली के नत्थूपुरा में 10,000 मुस्लिम पलायन करने को मजबूर, कब्रिस्तान की सुविधा न होने पर कहा कि अब हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमें मजबूरन यहां से पलायन करना होगा। 70,000 युवा को मिलेगी सरकारी नौकरी, 13 जून को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सोशल मीडिया पर लगाई औरंगजेब की तस्वीर, शख्स को पुलिस ने वासी से किया गिरफ्तार, चेतावनी देकर छोड़ा। महिला ने दिया मृत बच्चे को जन्म तो अस्पताल ने जलते कचरे में फेंक दिया शव, हर जगह मचा बवाल।